दोस्तों, आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा। आप ये वीडियो पूरा देखते रहिए ताकि आपको अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने का कुछ नए तरीका मिल जाए। तो इसके लिए आप ये पूरा वीडियो देखते रहिए जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। व्हाट्सएप ने जो एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन, तो इसके ज़रिए आप कैसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो क्या है उसकी खास बातें, क्या है उसके फीचर और उसका अकाउंट हम कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ और उसके फ्यूचर के बारे में अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, चलिए उसके बारे में हम शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त भावेश पटेल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं, उसके बारे जान लेते हैं। नंबर एक है क्रिएट बिजनेस प्रोफाइल। तो व्हाट्सएप में आप अपना बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। कस्टमर आपका एड्रेस, ईमेल एड्रेस सब कुछ जान सकता है, तो बिजनेस एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है कि यूज़ व्हाट्सएप बिजनेस ऑन योर पीसी यूजिंग व्हाट्सएप वेब। आप अपना व्हाट्सएप अपने पीसी में भी यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा नंबर ये है कि यूज़ विथ योर बिजनेस लैंडलाइन नंबर। व्हाट्सअप ये जो बिजनेस है वो आप अपने लैंडलाइन नंबर पे भी कर सकते हैं। चौथा नंबर ये है कि आप व्हाट्सअप और व्हाट्सअप बिजनेस अपने एक ही फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपना नंबर अलग उसमें देना होगा जो पहले रजिस्टर ना हो व्हाट्सअप में। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। पहले अपना एप्लीकेशन जो है उसे हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद हम कैसे अब उसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और वो सब हम देखते हैं। तो यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। आपको खास बातें ध्यान में रखनी होगी कि आपका नंबर एक यूनिक नंबर अलग होना चाहिए, जो आपने पहले से व्हाट्सएप में रजिस्टर नहीं किया है ऐसा नंबर ही आपको रखना होगा। और अपने लैंडलाइन नंबर पे क्रिएट करने के लिए आपको कॉल मी ऑप्शन देना होगा। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है बिजनेस का वो इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप और जो व्हाट्सएप बिजनेस है दोनों एक ही साथ में है, उसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आपका जो भी पहले से रजिस्टर ना हो ऐसा मोबाइल नंबर या फिर अपना लैंडलाइन नंबर डाल लीजिए। और अगर आप कॉल मी ऑप्शन दे तो आपके पास कॉल आ सकता है, नहीं तो एसएमएस का ऑप्शन दे तो एसएमएस आ सकता है। नंबर कंफर्मेशन यहाँ पे देना है, कंटिन्यू भी क्लिक करना है। वेरीफाई योर फ़ोन नंबर, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो रहा है और जो भी आपके नंबर पे 6 डिजिट का जो कोड आए उसको यहाँ पे हमें डालना है। यहाँ में कॉल मी ऑप्शन का दिया गया है और एसएमएस का भी दिया गया है। जैसे ही आप कोड डालोगे आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। योर बिजनेस इन्फो, यहाँ पे आपका जो भी बिजनेस नेम है यहाँ पे उसको हमें डालना है। आपका किसी भी टाइप का बिजनेस हो, स्टूडियो हो, कोई जनरल स्टोर हो या फिर कोई ऐसी शॉप हो, कपड़े की शॉप हो, जो भी हो वहाँ पे आपको डाल देना है और बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। क्लिक ऑन नेक्स्ट। जी हाँ, आपने एक बार जो नाम डाल दिया वो आप चेंज नहीं करते। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ओके पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्रिएट हो जाएगा तो जैसे व्हाट्सअप आप यूज़ करते हैं ऐसा ही कुछ इंटरफेस यहाँ पे भी आ जाएगा। चैट का आएगा, कॉल का आएगा और स्टेटस का आ जाएगा। और उसके बाद हम देख लीजिए यहाँ पे जो 3 डॉट है यहाँ पे क्लिक करते हैं और सेटिंग में चले जाते हैं और अपना बिजनेस जो प्रोफाइल है उसे हम क्रिएट कर देते हैं। बिजनेस सेटिंग में चले जाते हैं यहाँ पे और उसमें है प्रोफाइल।
यहाँ से आप अपना प्रोफाइल भी सेट कर सकते हैं, अपने गैलरी में से अपने शॉप का लोगो या कुछ भी प्रोफाइल हो वो डाल सकते हैं। नीचे में बिजनेस एड्रेस है, जहाँ भी आपका बिजनेस है उसका एड्रेस आपको डाल देना है, ताकि आपके कस्टमर को उसका पता चल सके, और उसकी जो कैटेगरी है बिजनेस की, जिस टाइप का हो, होटल हो, मेडिकल हो, रेस्टोरेंट हो, जो भी हो, आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। अगर इस लिस्ट में नहीं है तो ऑर्डर नीचे आया है उसमें चूज़ कर लेना होगा, और बिजनेस डिस्क्रिप्शन डाल देना है, उसके बारे में अपना जो भी बिजनेस है उसके बारे में आपको कुछ अला टेक्स्ट यहाँ पे डाल लेना है। और नीचे में है बिजनेस हावर, आपका जो बिजनेस का टाइम है, सुबह से शाम तक कितना टाइम है, वीकली ऑफ है कौन सा है, वो सब आपको यहाँ से सेट कर लेना है देख के। संडे ऑफ हो, मंडे ऑफ हो, जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। और नीचे में है ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपको आपका ईमेल एड्रेस आपको डाल देना है। और नीचे आपकी जो, अगर कोई वेबसाइट क्रिएट है तो वेबसाइट भी डाल सकते हैं, या फिर आपका फेसबुक पेज तो होगा ही, फेसबुक अकाउंट होगा ही, तो ये उसे यहाँ पे हम डाल सकते हैं, और दूसरी वेबसाइट भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। फेसबुक अकाउंट पेज जो भी है वो डाल लीजिए। ये सब डिस्क्रिप्शन आप भरोगे यहाँ पे तो ही आपके कस्टमर को आपके बारे में, आपके प्रोफाइल में पता चलेगा। और नीचे है अवे मैसेज, ये दोस्तों क्या है कि आपका कोई भी आपको मैसेज कराएगा तो यहाँ से जो हम सेंड मैसेज जो अवे जो है उसे ऑन रखेंगे, तो नीचे जो मैसेज लिखा है वो अपने आप अपने कस्टमर, अपने जिसे भी आपको, जिसने भी आपको मैसेज किया है, उसको जो भी हमने टैक्स डाला होगा वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और नीचे है ग्रीटिंग मैसेज, ये भी सेम कुछ ऐसा ही है, उसे हम ऑन रखेंगे तो मैसेज में जो लिखा है नीचे में कि वेलकम टू जैसे अपना शॉप का नाम, तो ऐसा आपके जिसने भी आपको मैसेज किया है उसको चला जाएगा। और क्विक रिप्लाई भी यहाँ पे है, इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है, क्विक रिप्लाई में अपना नेट ऑन होना चाहिए, ताकि जो भी आपको मैसेज करे तो उसको तुरंत ही रिप्लाई चला जाए। ये हमने सब फिलअप कर लिया है। उसका एक ऑप्शन और भी है लेबल, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो शेयर, लाइक, कमेंट करना मत भूलिए। अगर और कमेंट में आप डाल लीजिए अगर आपको कुछ जानकारी और चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।